दोस्तों दोस्तों हमारी YouTube चैनल अहमद इलेक्ट्रॉनिक में आपका खुशामदीद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो जनरेटर होता है 7.5 KV की हमारे पास ये बॉडी है, एल्टीनेटर है 7.5 KV के एल्टीनेटर की बॉडी है। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर फील्डर कैसे फिट होती है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और ये करंट कैसे बनाते हैं, पूरी बात करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमें देखना होता है ये फील्डर होती है इसकी और ये हमारा जो बॉडी है ये एल्टीनेटर 1440 RPM का है, इसलिए चार फील्डर बनाई होती हैं। तो दोस्तों ये फील्ड जब हम बॉडी में फिट करते हैं तो इसके नीचे से कागज़ लगाना होता है और कागज़ कैसे लगता है वो कैसे कटता है ये देखते हैं। दोस्तों ये जैसे हमारी सीट होती है इसे हम यूँ लेंगे और पेन से निशान लगा लेंगे और उसके अंदर का सिरा काट लेंगे जैसे हमने ये तैयार कर लिए थे चारों फील्डों के चारों, ये कागज़ तैयार कर लिए थे हमने, कागज़ तैयार हैं हमारे। और दोस्तों दूसरे ये पोल होता है जिसमें हमारी फील्ड रखी जाती है तो इसका भी कागज़ काटना होता है जैसे हमने ये कागज़ भी काट लिए थे, ये सीधी पट्टी होती है और हमारी फील्ड की तरफ ये चिकना वाला सिरा आता है और ये बग़ैर चिकना वाला जो होता है ये हमारा पोल की तरफ आता है। तो हमारा इसका तरीका पहले ये कार्ड नाप लेंगे हमारी पट्टी, उसके बाद हम पोल पे इसे चारों तरफ घुमा देते हैं, टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारी बन जाती है। इसी तरकीब से हमने तीनों पोल ये ऐसे बनाए थे और चौथा ही है, हमने सारे पोल ऐसे ही बनाए। तो दोस्तों इसमें निशान लाने के लिए हमें ये करना होता है कोनों में, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है यहाँ तक आना चाहिए, तो उसका तरीका हमारा ये होता है। इसमें कट मार लेते हैं थोड़े थोड़े, ये हमने इसमें कट मार ली है। ये आ गया हमारा पूरा कागज़ पूरे पोल पर आ गया, इसे और बना लेते हैं, देख सकते हैं पूरे पोल पर आ गया ये कागज़ हमारा और इधर से भी हम कट मारते हैं इसमें लकड़ी फटला। और हम यूँ दबा देते दोस्तों, देख सकते हैं इसमें हमारे ये चार निशान लगे हुए होते हैं, कंपनी के भी निशान होते हैं लेकिन नहीं चमक रहे हमारे, इसलिए हमने खुद निशान लगाए थे, ये चार निशान हैं। इसी तरकीब से बॉडी में भी निशान होते हैं हमारे और हमारी जो लीडें होती हैं ये हमारी लीडें निशान की तरफ आनी होती हैं और इसे बहुत आराम के साथ पोल में रखेंगे हम। दोस्तों हमने ये देख सकते हैं ये फील्ड लगा ली है और ये निशानों की तरफ हमारी ये लीड आई है। अब हमें इसे डायरेक्ट हथौड़ी से नहीं ठोकना होता है,
किसी भी लकड़ी की रोटी से ठोकना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी, हमने ये ठोक दी है और अब हमें ठोकने के बाद में इसे चेक करना होता, अर्थ तो नहीं हुई हमारी, तो अर्थ नहीं है देख सकते हैं आप, और आपस में भी नहीं बोल रही है। और प्रेस की मैग्नेट चेक करने का एक तरीका होता है जो हम दिखाने, इसकी जो बारीक वाली वायरिंग होती है इसके लिए हम करंट देंगे, समझे, और हम ही आपस में लगाते हैं। आ रहा है करंट देख सकते हैं आप, वीडियो जूम करो, इसका मतलब हमारे पेड़ से करंट भी आ रहा है। दोस्तों ये जो हमने बनाई थी ये चिकना सिरा हमारा पेड़ है, हम काट लेते हैं जितने फालतू हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे इसमें हमारे चार निशान लगे हुए हैं और हमने बॉडी में भी लगाए थे ये निशान, तो हम देखेंगे ये है चार निशान। इसमें फिट करने का हमारा तरीका ये होता है, ये जो हमारी लीड है ये हमारी लीड है, तो हमारी ये इस तरह पर, और होल फिट करने से पहले हमें देखना होता इसमें कहीं से कोई जंग या कोई मिट्टी तो नहीं है, या हमारे पोल के नीचे कहीं से कोई कागज़ तो नहीं दबा, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे पोल के जो बोल्ट हैं इन्हें बहुत अच्छे से टाइट करना होता है, ये ढीले नहीं रहने चाहिए वरना तो हमारा जो रूटर होता है वो सिमटता है। आमतौर पर देखा जाता है यूं टाइट करते हैं तो ये तरीका गलत होता है, हमारा बोल्ट टूट जाता है, स्लिप हो जाता है, इसलिए हम इसे बगैर झटका हमारे बोल्ट टाइट कर देते हैं।
देख सकते हैं हमारी फील्ड इसमें हमने लगा दी है और तीन फील्ड और हमें लगानी है। तो दोस्तों ये फील्ड भी हमने उसी तरीके से इसमें लगाई है, देखी है। इसके जो बेकार कागज़ हैं फालतू वो हम काट देते हैं ज़्यादा। दोस्तों देख सकते हैं तीन नंबर की हमारी फील्ड है। पहले हम इसे चेक करते हैं ठोकने के बाद कहीं से कोई अर्थ तो नहीं हुई है, देख लेते हैं जैसा हमने पहले चेक करी थी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हम बल्ब जल रहा है हमारा, देख सकते हैं अर्थ भी नहीं है फील्ड और आपस में एसी डीसी भी नहीं बोल रही है। और हम इसे वैसे ही चेक करेंगे जैसा पहले चेक किया था हमने इस प्रकरण। ये हमने इसकी डीसी में करंट दे दिया और हम इस प्रकरण चेक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारा आ रहा है। पकड़ ले यार, ये देख सकते हैं करंट आ रहा है इसके में हमारा, आवाज़ भी आ रही होगी। इसका मतलब हमारी ये फील्ड भी ठीक है। अब हम इसे सेम उसी तरीके से तीन नंबर वाली फील्ड को फिट करेंगे। तो हमारा तीन नंबर का जो चार नंबर की ये तीन नंबर पोल है, ये तीन नंबर पोल है, देख सकते हैं आप इस पर निशान जूम करो, निशान लग रहे होंगे आप निशान देख सकते हैं, दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3। और ऐसे ही ये फील्ड पे देख सकते हैं हम 1 2 3 ये निशान लग रहे हैं। और हम वीडियो का सिर्फ ऐसे ही ऊपर करेंगे बोलती। ये हम इन्हें भी ऐसे टाइट कर देते हैं, फुल टाइट करने होंगे हमें, बराबर बराबर टाइट करने हैं। तो मेरी बेइज्जती बन गई के अंदर। दोस्तों देख सकते हैं हमारी दो पेड़ कंप्लीट हो गई, दो फील्ड हमने इसमें लगा दी हैं। तो दोस्तों ये तीसरे नंबर की फील्ड है हमारी, इसका पहले हम पहली तरीके से पहले इसका अर्थ चेक करते हैं, उसके बाद में करंट चेक करते हैं, फिर उसके बाद में इसे लगाते हैं इसे। देख सकते हैं ये भी अर्थ नहीं है हमारी फील्ड। और ये आपस में भी नहीं बोल रही है, देख सकते हैं ये आपस में भी नहीं बोल रही है। और इसका हमें करंट चेक करना है। तो देख सकते हैं दे रही है, इसका मतलब ये ठीक है। अब हम इसे भी ऐसे करते हैं, फोन भेजो कैमी है, फिर इसके फालतू कागज़ हम पहली तरह से काटेंगे।
और ये हमारी फील्ड दो नंबर है, देख सकते हैं एक दो, तो इसमें हम ये दो नंबर है देख सकते हैं एक दो, तो कुछ करते हैं इसका तरीका हमारा ये होता, हमारे जो पोल के होल होते हैं और बॉडी के होल आमने सामने होने चाहिए जैसा आप देख रहे हैं, जैस ये होल सामने करने होते हैं, ये आ गए हमारे सामने, तो हमारी इसमें बोल्ट अच्छी तरीके से लग जाएगा। दोस्तों हम टाइट कर देते हैं, लास्ट फील्ड हमारी है, लास्ट फील्ड है हमारी एक नंबर, देख सकते हैं दोस्तों एक नंबर है, इधर भी एक नंबर है। देख सकते हैं दोस्तों हमारी ये चारों फील्ड कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं ये बताते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, इन्हें सबसे पहले हम सारे सिरों को छीलते हैं इनके, उसके बाद में कनेक्शन बताते हैं। दोस्तों इसके कनेक्शन होते हैं, हमारी दो तो लीडें होती हैं, एक लीड हमने ये छोड़ रखी है, एक लीड हमने ये छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी। तो दोस्तों जैसे होता है कि एक को साउथ बनता है और दूसरा नॉर्थ बनता है, तो हाँ दोस्तों ये जो फील्ड बनी हुई हैं हमारी, तो एक फील्ड में मोटी वायरिंग भी है लोड वाली और डीसी वायरिंग भी है बारीक वाली, ये दो तरीके से अल्टरनेटर रिवाइंड होता है, दो तरीके से फील्ड बनती हैं। एक तरीका तो यही होता है इसका, जैसे ये फील्ड बनी हुई है यानी एक ही फील्ड में मोटा तार भी चढ़ा हुआ है और बारीक भी चढ़ा हुआ है, और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों यानी एक फील्ड मोटे तार की होगी, यानी चार फील्डें बनेंगी तो दो मोटे तार से बनेंगी और दो बारीक तार से बनेंगी, उसके कनेक्शन अलग तरीके से होते हैं। फिलहाल हम इसके कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये जो होता है, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल बनाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है, ये देख सकते हैं ये लीड है हमारी, और ये देख सकते हैं ये इधर घूम रहा है इसका से। तो अब दूसरा जो हम जोड़ेंगे तो ये इसका यूँ घूमना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो इसे छोड़ दिया है हमने,
इसमें हम जोड़ रहे हैं दोस्तों। पहले इसमें सिलेट डालेंगे हम, जब जोड़ कर स्लिप चढ़ाते हैं तो हमें मोटी स्लिप डालनी होती है। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कनेक्शन हमारी यूँ छुटी हुई है, एक छोड़ दे यानी यूँ घूम रहा है तो फिर यूँ घूमेगा इसका, ये भी हम इसमें जोड़ेंगे यानी एक छोड़ के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हम जोड़ के चढ़ा देते हैं, ये हो गया, ये लीड थी हमारी यूँ घूम रही थी इसकी सीरीज, दूसरी पोल भी यूँ घूम रही है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, अब फिर नॉर्थ पोल बनाना है आमने सामने, साउथ और नॉर्थ आमने सामने रहते हैं, यानी अगर ये पोल हमारा साउथ है तो ये नॉर्थ होना चाहिए और ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए। कोई और सुना दो, तुम्हारा सुना दो, मैं लड़कों को सब कुछ जाने सभी हम चढ़ा लेते हैं। ये बचा है दोस्तों, देख सकते हैं हमारी ये सीरीज यूँ घूम रही थी, अभी सीरीज घूम रही थी। ये तो दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए और
अभी मैं थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं। ये तो कंप्लीट हो गए दोस्तों, तो अब ये हमारी लीड है। बस ये जो डीसी वाली वायरिंग है, हमारे ए वी कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, सिर्फ इनका ये होता है ऊपर जो डायोड होते हैं हमारे, तो इसकी लीड है ऊपर निकाली जाती है। मैं अभी निकालता हूँ दोस्तों। ये हमने दो लीडें छोड़ी हैं, ये दो लीडें रह गई हैं हमारी। अब हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें छील लेना होगा, जोड़ लगा दिया दोस्तों। ये हमारी लीड थी, जोड़ लगा दिया। अब ये इसमें जुड़ेगा, देख सकते हैं ये हमारी लीड है। ये इसकी सीरीज भी घूम रही है, ये आई इसकी सीरीज भी घूम और फिर इसकी ये घूम जी आई। ये दो लीडें हो गई हमारी, इनकी हम एक एवं की लीडें निकाल देते हैं। दोस्तों ये तो हमारी लीड हुई डी सी की, अब लोड वाली लीड हमें निकालनी है। तार का लोड़ा काबड़ हो रहे हैं, हम सीधे कर लेते हैं।